नेपाल के भूकंप के दौरान मिली लड़की ने बदली मुंबई के शख्स की जिंदगी। नेपाल में आए भूकंप के दौरान राहत कार्य में शामिल बॉन्सी मेहता की जिंदगी एक 8 साल की लड़की की वजह से बदल गई। बॉन्सी ने जब इस बात को फेसबुक पर लिखा तो उनका पोस्ट वायरल हो गया। असल में बॉन्सी जब नेपाल में थे तो उनके पास एक बच्ची दौड़ी चली आई, लड़की ने शख्स को गले लगा लिया। बॉन्सी मेहता ने जब लड़की के बारे में पता किया तो उन्हें मालूम हुआ कि उसका पिता उसकी देखभाल नहीं करता और माँ भी किसी और के साथ उसे छोड़कर चली गई है। बॉन्सी बाद में मुंबई आ गए लेकिन उनके मन में लड़की का चेहरा बैठा रह गया। इसके बाद काठमांडू में मौजूद एक फ्रेंड की मदद से उन्होंने लड़की को खोजने का फैसला किया। कुछ समय तक मेहनत करने के बाद लड़की का पता चल गया और लड़की को उसके चाचा के साथ काठमांडू बुलाया गया। बॉन्सी कहते हैं कि उस गांव में लड़की की हालत मवेशियों की तरह थी। उन्होंने लड़की को काठमांडू के एक स्पेशल एजुकेशन और रिहैबिलिटेशन सेंटर में भर्ती करा दिया। उन्होंने लड़की से मिलने के लिए बीते दिनों में करीब 10 बार नेपाल की यात्रा की है। बॉन्सी का कहना है कि वे बच्ची को यह एहसास दिलाना चाहते थे कि उसका कोई केयर करने वाला है। बॉन्सी मानते हैं कि इस बच्ची की वजह से उनकी जिंदगी काफी बदल गई।